नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। पीटीसी न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात सबसे पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की करेंगे, जिन्होंने सिरसा में अपने पैतृक गांव का दौरा किया है। सिरसा में चौटाला गांव में दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे और यहां पर करोड़ों के विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी है। कई उद्घाटन किए हैं, कई शिलान्यास किए हैं। इसके साथ ही इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गांव में वो समस्याएं सुनने आए हैं और जनता की समस्याओं का समाधान करवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने गांव चौटाला की चौपाल पर जनता दरबार लगाया और इस जनता दरबार में जिले भर के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि चौटाला गांव के साथ लगते गांव में कुल 7 सड़कों का निर्माण हो चुका है और इसके अलावा एक अन्य सड़क को मंजूरी भी दी गई है। गांव चौटाला में सीवरेज और पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गांव में एक वाटर वर्क्स का निर्माण भी जल्द शुरू करवाया जाएगा। जो हमारी 8 कनेक्टिंग सड़कें थी उनको हमने टेकअप किया है और प्राथमिक तौर पर जो राजस्थान से हमारी 2 सड़कें आती है बॉर्डर विलेज होने के नाते, साथ में जो आसपास के हमारे कनेक्टिंग विलेजेस है आसाखेड़ा टू बारूखेड़ा, तेजाखेड़ा टू चौटाला, मेन जो हमारी नेशनल हाईवे तक की सड़क है, इन सारों को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है। 7 कंप्लीट हो चुकी, 1 को हमने मार्केटिंग बोर्ड के से अब PWD में टेकअप करके आज फाउंडेशन ले करी।